ना हम छोले भटूरे खाने आए, ना हम भेलपूरी खाने आए हैं, ना हम पानी पूरी खाने आए। मेरा दिमाग भटक गया है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सब हाल चाल बढ़िया ना? उम्मीद करता हूँ कि आपके हाल चाल बढ़िया ही होंगे। तो यार, आज का जो मैच है ना, ये मिल्ठा में आधे से ज़्यादा ना निकल जाता हमारा। मतलब क्या ही बताऊँ यार, जब मैं नीचे उतरूंगा ना, तो तुम यहाँ पर खुद ही देख ही लोगे। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे उतरता हूँ, तो उसके बाद थोड़ी बहुत बंदूकें, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, तो गन जुटाता हूँ, उसके बाद बंदा दिखता आगे की तरफ। देखो फिर क्या होता है। तो भैया इसकी तो पेटी बन गई, और उसके बाद यहाँ पर बॉर्ड भैया भी अपने आप को आजमाने आ जाते हैं मेरे सामने। तो देखो फिर। अब इस बॉट की तो मैंने ऐसी ऐसी जगह गोली भरी कि भाई इसको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सांस कहाँ से ले, और तुम समझ ही सकते हो। खैर, इसके बाद यहाँ पर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, और भाई दीवार के पास जब टीपीपी ले ही रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ पर कोई है, तो मैं स्कोप खोल करके बैठा रहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर गोलियां चलने की तो ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि भाई पुराने साल की आखिरी रात हो, तो यहाँ पर पटाखे फट रहे थे। खैर, ये बंदा तो यहाँ से बच के निकल गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आकर के टीपीपी लेता हूँ, और वो बंदा मुझ क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को फिर से दिखता है। अब जो बंदा मेरे को पहले दिखता है, उसको तो मैं नॉकआउट कर देता हूँ, और उसका दूसरा वाला भी बंदा आ जाता है। खैर, वो तो बच जाता है, लेकिन इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और मेरे कानों ने मुझे बाल बाल बचा लिया। हालांकि मैं टकला हूँ, फिर भी बाल बाल। I got supplies. Form up on me. I got supplies. अब इन तीनों की तो पेटी यहां पर बन गई, और भाई क्विक एक्शन की वजर से होगा ना, हाँ वजर से यहाँ पर भाई सब कुछ ठीक रहा, वरना पेटी भी बन सकती थी मेरी। खैर, यहाँ पर तो सीन निपट गया, और जैसे कि तुमने अभी यहाँ पर सुना था गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। और फिर जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, तो पता नहीं वो घर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ईंटों वाले घर, तो वहां जाता हूँ, तो वहीं पर बंदे होते हैं। तो देखना फिर, वहां पर दो नंबर मेरे ख्याल से नॉकआउट भी हो जाता है, दो नंबर ही होता है मेरे ख्याल से। वीडियो देखनी पड़ेगी आगे। Let's go. हाँ तो भाई, ये मेरे ख्याल से दो नंबर ही था, मैं बिल्कुल सही था। जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा, ये दो नंबर ही है भाई। अब यहाँ पर आ जाता है भाई थोड़ा भीख मांगने का टाइम। तो भीख मांगते हैं कि भैया, यहाँ पर इतने सारे मतलब सीन देखने के बाद अगर कुछ भी पसंद आया हो अब तक, तो यहाँ पर तुम लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, और कॉमेंट में अगर कुछ पूछना हो और अगर कुछ बताना हो तो ज़रूर बता देना। और अगर तुम ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, और भाई फेसबुक पर और क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है ना, तो शेयर भी कर देना। अब यहां पर के क्या सीन होता है कि यहां पर भाई मैं मजे से ना पहले पेटियां लूटता हूं उनकी, पेटी बनाने के बाद जिनकी अभी पेटी बनाई, और उसके बाद जाकर के दो नंबर को रिवाइव देता हूं। भाई मैं इतना ज्यादा लालची इंसान हूं, क्या ही बताऊं। और उसके बाद जब आगे की तरफ थोड़े मजे ले ही रहे होते हैं इधर उधर, तो मुझे भाई बहुत दूर ना कुछ मतलब छोटा छोटा सा दिखता है, पता नहीं वो बॉट होता है कि असली होता है, वो तुम खुद ही डिसाइड कर लो। देखो आगे।
अब यहाँ पर हम मार्गो भैया की पेटी बना ही रहे होते हैं कि उतने में पीछे से गोलियां चलनी चालू हो जाती है, तो मैं पीछे जा करके देखता हूँ कि क्या तमाशे चल रहे हैं। चार नंबर भैया तो नॉकआउट हो गए। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिंदा है ना। खैर आगे की तरफ एक बंदा दिखता है। खैर ये अकेले नहीं होते, तीन बंदे होते कि चार होते हैं, देखना तुम। दो बंदे तो मैंने लपेट दिया, अभी भैया हमारे तीन नंबर एक बंदे को लपेट देंगे और एक और बचा जिसको मैं लपेटूंगा। तो गाइस आखिरकार इन सभी की यहाँ पर ऐसे करके पेटी बन जाती है और हम इन सभी को मजे से लूटते हैं और इनको लूटने के बाद यहाँ से निकलने का आखिरकार टाइम हो ही जाता है सदियों बाद। लेकिन एक और सीन यहाँ पर यह हो जाता है कि भाई दो नंबर ऑफलाइन चले जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई का दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि रैंडम बंदा होते हुए भी भाई मैं उसको स्कूटर में बैठाने की कोशिश करता रहता हूँ लेकिन अंत में बंदा यार खुद ही ऑनलाइन आ जाता है और इसके बाद यार बाकी के बंदे गाड़ी को भी लेकर के आ जाते हैं। तो हम सब गाड़ी में बैठ करके सीधा मिलिट्री के ब्रिज मिलिट्री के ब्रिज में पहुंच जाते हैं और भाई वहां पर ना बड़ी शांति होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यार फ्लेयर चलने की आवाज़ आती है और उसके बाद जब हम यार सागर किनारे जा करके देखते हैं तो पूरे के पूरे चार बंदे वहां पर होते हैं और उसके बाद के क्या सीन होते हैं आप सब खुद ही यहाँ पर देख लो। जैसे ही तुम्हारे भाई की एंट्री होती है तो तुम्हारा भाई इन सबकी हवा टाइट कर देता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली थी। एक बंदे की पेटी बना दी और दूसरा बंदा नॉकआउट हो गया, लेकिन जिसको सबसे पहले नॉकआउट किया था वो रिवाइव हो जाता है और भाई यही मेरे लिए मुश्किल वाली बात होने वाली थी। तो गाइस मुश्किल यहीं पर आने वाली थी, देखना तुम। वॉच आउट। तो गाइज यही वो बुरा मोमेंट होता है जिसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई चार नंबर की सीधा पेटी डल जाती है। लेकिन अच्छी ये बात होती है कि भाई हमारे टीम वालों ने सिचुएशन को संभाल लिया और भाई इन सब की पेटी बना दी जो दो बंदे बचे थे और यहाँ पर मैं भी गिड़गिड़ाता हुआ आगे जाता हूँ और भाई मुझे दो नंबर के हाथों रिवाइव भी मिल जाता है और इसके बाद मैं सीधा फर्स्ट एड किट को लपेटता हूँ और भाई फर्स्ट एड नहीं मेडिकेट को लपेटता हूँ और उसके बाद आगे से कोई आता हुआ दिखता है और उसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं। तो गाइज यहाँ का सीन क्लियर होने के बाद हम सब इनके पेटी को लूटते हैं और इनके पेटी को लूटने के बाद मुझे यहाँ पर MG3 मिल जाती है और MG3 को लेने के बाद बिना टाइम वेस्ट के सीधा गाड़ी में बैठते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं। और भाई जब पोचंकी की तरफ से जा ही रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बंदा भागते हुए दिखता है जो कि मेरे ख्याल से शायद भाग मिल्खा भाग खेल रहा होता है, तो देखो यार उसको मैं रास्ते में कैसे पकड़ता हूँ। तो भाई मुझे पता है यहाँ पर तुम लोग क्या सोच रहे होगे, तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो गलत बात है, वो अकेला बंदा था और भाई तुम चार थे। लेकिन मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हम हलवा थोड़ी ना खाने आए, ना हम छोले भटूरे खाने आए, ना हम भेलपूरी खाने आए, ना हम पानीपूरी खाने आए,
मेरा दिमाग भटक गया है। हम यहाँ पर किल करने आए, तो यार मैं यहाँ पर किल ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो यार मेरे मेरे जगह तुम भी होता तो तुम भी तो यही करते ना। तो मैंने इसको भाई पेल दिया और यहाँ पर हमने इसको लूटा। और लूटने के बाद यार हमने बहुत इंतज़ार किया, सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा था कहीं पर भी। लेकिन अंत में जा करके यार फार्म पर सर्कल बनता है, तो उसके बाद हम सीधा फार्म के लिए निकलते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो यार मतलब क्या ही गलत सीन होते हैं वहाँ पर, मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत ही बुरे सीन होते हैं, देखना तुम। Marked a location. Watch out. Let's go. Help. तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो कि भाई मेरे दोनों बंदे नॉकआउट हो गए थे और एक बंदे की तो पेटी भी बन गई। और अब मैं यहाँ पर भाई अगर इनको रिवाइव देता ना, तो मेरे को खतरा पड़ सकता था। तो यहाँ पर यार क्या ही कर सकते थे, अब आगे देखो। तो गाइस जैसे ही मैंने इनकी यहाँ पर पेटी डाली, तो मैं भागते हुए सीधा 2 नंबर के पास गया उसको रिवाइव देने। लेकिन अफसोस यहाँ पर मैं देर हो चुका था, अब यार मतलब क्या ही कर सकते थे। अब इसके बाद मुझे यहाँ से आगे तो बढ़ना ही था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लूट किया। और लूट करने के बाद मैं सीधा गाड़ी को लेकर के भाई आगे की तरफ निकल गया। और आगे एक घर था भाई, मैं उसमें जा करके बैठ गया और उसकी खिड़की से भाई स्नाइपर को लेकर के देखने लग गया। हाँ मेरे पास AWM आ चुकी थी। और भाई थोड़ा देर इधर उधर देखने के बाद ना मुझे एक बंदा दिखता भी है, और उसके बाद क्या होता है, चलिए मिल करके देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये बंदा वहाँ पर बड़े मज़े से छुपा हुआ था। इसको लग रहा था कि भाई इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको ये बात नहीं पता थी कि भाई मेरे पास AWM है। तो उसके बाद यहाँ पर सीधा पट से हेडशॉट दे दिया, और भाई मैं यहाँ पर अपने जुगाड़ में लग गया, क्योंकि यार वो पेड़ के पीछे बैठ गया था और मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ दरवाजे पर चढ़ के, और थोड़ी देर देखने के बाद मुझे पता लगता है कि भाई उसका बंदा भी वहाँ पहुँच चुका है उसको रिवाइव देने। तो भाई वो भी गलती कर जाता है पीक करने की, और फिर क्या होता है। चलो गाइस मैं तुम्हें उस बंदे की सोच बताता हूँ। वो सोच रहा होगा कि जरा सा यार वहां पर देख ही लेता हूँ केस्टन क्या कर रहा है। तो भैया केस्टन क्या कर रहा है, केस्टन वहां पे भल्ले पापड़ी बना रहा है, तुम भी आ जाओ भाई खाने। मतलब यार क्या यार, मतलब बंदे पीक, उसको पता यार AWM मेरे पास है, उसके बाद भी पिक करनी है, अब किया तो भुगतो सजा। तो इसके बाद यहाँ पर भाई आखिरी बंदा बचा हुआ था, तो मैं उसकी तलाश में ही था कि भाई कहाँ पर है दिख जाए, तो उसको भी AWM से यार मतलब उसकी भी बिंदी लगा दूँ उसके मत्थे पे। तो दिख ही नहीं रहा था, तो यार अंत में मैंने यहाँ से गाड़ी ली और गाड़ी को लेकर के भाई ऊपर की तरफ जाने लगा। और जब ऊपर पहुँचा, तो उसके बाद भाई बंदे की तलाश करते करते फिर क्या होता है और क्या हुआ, चलो मिल करके देखते हैं। तो गाइस आखिरकार इस बंदे ने अपनी लोकेशन दे ही दी कि मैं कहां पे हूं, तो फिर क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। खैर ये रैंडम टीममेट भी मुझे देख ही रहे थे अभी तक, देखो यार तुम भी देखो भाई सामने पड़ा है घास में। हो गया ऊपर रो।
अब यहाँ पर नेट ना लगने की खुशी में मैं मुक्केबाजी पे उतर आया, लेकिन मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं बनेगा। और फिर देखो तो यार यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा कि यार तुक्का सबका लगता है, गला सबका सूखता है। तो यहाँ पर तुम्हें इस बात के जो है प्रूफ भी मिल गया होगा आज कि यार तुक्का मेरा भी लगता है। तो यार मेरा भी दिन आता है कभी कभी तुक्के का, तो ये वही दिन था। तो इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर मुर्गी मुर्गी डिनर हो जाता है, और यार मेरे दिल में इतनी खुशी हो जाती है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ यार। और उम्मीद करता हूँ कि यार तुम्हें भी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो यार अब तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो का एंड होने वाला है। और यार कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ साथ यार फेसबुक पे देख रहे हो तो यार लाइक कर देना, एक और बार मैं बता दे रहा हूँ। और यार अब मैं तुमसे मतलब क्या ही कहूँ, और तुम्हारा जो मन करे तुम करो, और चलो यार खुश रहो। मतलब पता नहीं मैं इतना ज्ञान यहाँ पर क्यों बांट रहा हूँ। तो चलो यार वीडियो को ख़त्म करते हैं इसी के साथ साथ। तो यार कुल मिला करके आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where?